नमस्कार। हमारा आज का टॉपिक है एंटी एमेटिक ड्रग। आज इसके बारे में यहाँ पर जानेंगे ये मेडिसिन क्या होती है, और ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन पर ही ये ड्रग लें। तो एमेटिक या एमेसिस का मतलब होता है वॉमिटिंग। तो एमेटिक यानी कि वॉमिटिंग को रोकने के लिए, जो कि वॉमिटिंग के अगेंस्ट में, वॉमिटिंग को ट्रीट करने के लिए काम में आती हैं, उन ड्रग को हम क्या कहते हैं, एंटी एमेटिक ड्रग्स। मेडिकेशन दैट कैन प्रिवेंट यानी कि रोक सकती हैं, और ट्रीट या फिर ट्रीट कर सकती हैं किसको, नोजिया एंड वॉमिटिंग, तो वो क्या कहलाती है, एंटी एमेटिक ड्रग। एंटी एमेटिक ड्रग आर टिपिकली यूज टू ट्रीट मोशन सिकनेस। जैसे कि हम कहीं पे सफ़र कर रहे हैं, किसी व्हीकल में हैं, तो उसकी वजह से जो वॉमिटिंग होती है उसको ट्रीट करने में। एंड द साइड इफेक्ट ऑफ ओपियोइड एनाल्जेसिक, जो ओपियोइड एनाल्जेसिक के साइड इफेक्ट्स हैं उनके लिए। जनरल एनेस्थेटिक्स एंड कीमोथेरेपी, इनके साइड इफेक्ट क्या होता है, वॉमिटिंग आती है इसमें। जैसे ओपियोइड एनाल्जेसिक लिया, जनरल एनेस्थीसिया लिया, कीमोथेरेपी ली, या डायरेक्टेड अगेंस्ट कैंसर, जो कीमोथेरेपी कैंसर के अगेंस्ट ली जा रही है, उन सब में क्या है, साइड इफेक्ट के रूप में वॉमिटिंग होती है। उसमें भी हम क्या देते हैं, एंटी एमेटिक। दे मे बी यूज फॉर सेवरल केसेस, जैसे कि गैस्ट्रो एंट्राइटिस, कोई भी इन्फ्लामेशन हुआ गैस्ट्रिक में, तो उसकी वजह से क्या होगा, वॉमिटिंग होती है, तो उसमें भी काम आ सकती है। स्पेशली हम कब देते हैं, इफ द पेशेंट इज डिहाइड्रेटेड, डिहाइड्रेटेड हो गया है पेशेंट, तो उस कंडीशन में। नेक्स्ट हम जानेंगे कि कॉजेज क्या होते हैं नोजिया और वॉमिटिंग के। तो कुछ मेडिकेशंस हो सकती हैं, जैसे कि कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी, माइग्रेन हो सकता है, मोशन सिकनेस, मॉर्निंग सिकनेस हो सकती है जो कि प्रेगनेंसी में होती है, वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, फूड पॉइजनिंग हो सकती है, गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज या GERD, इन वजह से क्या हो सकती है, वॉमिटिंग। अब जो एंटी एमेटिक मेडिकेशंस हैं ये किस तरह से काम करती हैं। एंटी एमेटिक ड्रग्स वर्क बाय ब्लॉकिंग सर्टेन सिग्नल इन ब्रेन। ब्रेन में कुछ सिग्नल होते हैं, उनको ब्लॉक करके ये काम करती हैं। और ये सिग्नल एक्चुअली क्या होते हैं, ये व्यक्ति को नॉजिएटेड या फिर वॉमिटिंग दिलाते हैं एक तरह से। तो इन सिग्नल को जब ब्लॉक कर दिया जाता है तो एंटी एमेटिक वर्क करती है। हमें अधिकतर ये सोचते हैं कि वॉमिटिंग स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम है, लेकिन एक्चुअली क्या होती है, ब्रेन रिलेटेड होती है। ब्रेन इसको ट्रिगर करता है, दिस अनकंफर्टेबल सिम्टम्स। डिफरेंट केमिकल मैसेंजर्स होते हैं जो कि एंटर करते हैं और अफेक्ट करते हैं वॉमिटिंग सेंटर ऑफ द ब्रेन को, ब्रेन में जो वॉमिटिंग सेंटर होता है, इस वजह से हम नॉजिएटेड फील करते हैं। अभी क्या केमिकल मैसेंजर होते हैं, ये होते हैं जैसे हिस्टामिन, डोपामिन, सीरोटोनिन, न्यूरोकाइनिन एंड गेस एंड एसिटाइल कोलिन, ये न्यूरो ट्रांसमीटर होते हैं। एंटी एमेटिक ड्रग वर्क बाय ब्लॉकिंग वन और मोर ऑफ दीज केमिकल मैसेंजर, इनको ब्लॉक कर देती है। दे स्टॉप द केमिकल फ्रॉम अटैचिंग टू देयर टारगेट लोकेशन। तो इनकी जो टारगेट लोकेशन होती है इन केमिकल मैसेंजर की, वहाँ पर इसको अटैच होने से रोक देते हैं। और टारगेट लोकेशन क्या कहलाती है, रिसेप्टर। मान लो कि ये है न्यूरो ट्रांसमीटर और ये है रिसेप्टर, तो यहाँ पर अटैच होने से इसको रोक देती है एंटी एमेटिक। रिसेप्टर इन्वॉल्व वेरी डिपेंडिंग ऑन व्हाट्स कॉजिंग द नोजिया। अब छह मेनली डिफरेंट क्लासेस होती है एंटी एमेटिक ड्रग की। ये कौन कौन सी होती हैं, न्यूरोकाइनिन 1, NK1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, सीरोटोनिन, ये सारे केमिकल हैं। तो इनके क्या कर रही है, रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। जैसे न्यूरोकाइनिन 1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, सीरोटोनिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, डोपामिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, कैनाबिनोइड्स, एंटी हिस्टामिन, एंटी कोलिनर्जिक, तो ये मेनली छह होते हैं। अब हम इसके मेन मेन टाइप को पढ़ते हैं। पहला है NK1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। ये एंटी एमेटिक होते हैं दैट वर्क्स बाय ब्लॉकिंग NK1 रिसेप्टर इन द ब्रेन। इसको जो है वो इसकी रिसेप्टर साइट पे जाने से, अटैच होने से रोकते हैं। दिस मेडिकेशन आर मोस्ट ऑफ यूज ट्रीट नोजिया वॉमिटिंग कॉज बाय कैंसर ट्रीटमेंट। जो कीमोथेरेपी या रेडिएशन थेरेपी की वजह से नोजिया वॉमिटिंग होते हैं उसको ट्रीट करने के लिए मेनली ये डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। दे कैन ऑल्सो हेल्प मैनेज नोजिया फ्रॉम सर्जरी। सर्जरी की वजह से जो नोजिया हो रहा है उसमें भी ये हेल्प करते हैं। तो ये कौन से हैं,
एग्जाम्पल ऑफ एंटीएमेटिक इन द एंटीवन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है एप्रेपिटेंट, जिसमें आता है एपनोबी, देन फोसा प्रेपिटेंट एम एंड रोला पिटेंट, ये इसके एग्जाम्पल है। देन आता है सीरोटोनिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, ये किसको अटैचमेंट से रोकता है, सीरोटोनिन को। ऑल्सो हेल्प मैनेज नोजियन वॉमिटिंग, दिस इज बिकॉज स्मॉल एरिया ऑफ द ब्रेन, ये इम्पोर्टेंट है कि ब्रेन में कौन सा और ऐसा एरिया होता है जो कि वॉमिटिंग से संबंधित होता है, तो ये होता है सी टी जेड। सी टी जेड का फुल फॉर्म होता है कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन। एज सीरोटोनिन रिसेप्टर, इसमें सी टी जेड में क्या है, सीरोटोनिन रिसेप्टर होते हैं। द नर्व अराउंड द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हैव दीज रिसेप्टर टू, मतलब कि जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के वहाँ पर नर्व्स होती हैं उसमें भी ये रिसेप्टर होता है सी टी जेड। दीज रिसेप्टर ट्रिगर नोजियन वॉमिटिंग, तो इस रिसेप्टर ये क्या रिसेप्टर ट्रिगर करता है नोजियन वॉमिटिंग को, जबकि सीरोटोनिन इनसे अटैच होता है, तो ये ड्रग क्या करेगी सीरोटोनिन को अटैच होने से रोकेगी। इसके कॉमन एग्जाम्पल हैं जैसे कि ओंडेंसेट्रॉन, पैलोनोसेट्रॉन, जिसको हम मान ली एम सेट और इस तरह के वो हैं इसमें एग्जाम्पल। देन आता है डोपामिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, ये क्या करेगा ब्लॉक डोपामिन फ्रॉम अटैचिंग टू रिसेप्टर इन द सी टी जेड। दे आर यूजफुल फॉर मेनी टाइप ऑफ नोजिया एंड वॉमिटिंग इंक्लूडिंग सी आई एन बी, सो दे आर एक्चुअली सम ऑफ द मोस्ट कॉमनली प्रेस्क्राइब एंटीएमेटिक ड्रग। इसके डोपामिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट के एग्जाम्पल हैं क्लोरप्रोमेजीन एंड प्रोक्लोरपेराजीन। देन आते हैं एंटाहिस्टामिन, एंटीहिस्टामिन क्या है एलर्जी को यूज करने के लिए काम में आते हैं मेनली, बट समटाइम एंटीहिस्टामिन कैन बी हेल्पफुल फॉर नोजिया और वॉमिटिंग टू। दीज एंटीएमेटिक ड्रग क्या करती हैं ब्लॉक करती हैं हिस्टामिन को फ्रॉम अटैचिंग टू द रिसेप्टर इन द वॉमिटिंग सेंटर ऑफ द ब्रेन। दे ऑल्सो ब्लॉक हिस्टामिन फ्रॉम अटैचिंग टू अदर रिसेप्टर थ्रू आउट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, मतलब मेनली ये हिस्टामिन को अटैच होने से रोकते हैं इसके रिसेप्टर साइड पर। बहुत प्रीफर मेडिकेशन है फॉर ट्रीटिंग मॉर्निंग सिकनेस, जैसे कि इसमें एग्जाम्पल हैं डाई मैन हाइड्रीनेट डॉक्सिलामीन प्रोमेथाजीन। अब एंटीएमेटिक मोशन सिकनेस के लिए कौन से होते हैं मेनली एंटीहिस्टामिन दैट कॉम्बैट नोजिया वॉमिटिंग कॉज बाय मोशन सिकनेस, ये हैं बेनेड्रिल डाइफेनहेड्रामीन मैग्नीजिन बोनाइन प्रोमेथाजीन फिनार्गन। एंटीएमेटिक फॉर स्टमक फ्लू के लिए जो कि गैस्ट्रोएंटेराइटिस एंटेराइटिस स्टमक फ्लू के लिए होते हैं, ये है सोडियम साइट्रेट डेक्सट्रोज एंड फ्रक्टोज नोजीन। ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड फ्रक्टोज एंड ग्लूकोज एमेट्रोल बिस्मथ सब सैलिसिलेट एक्टोडिस्मोल। एंटीएमेटिक ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कौन कौन से डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं मॉर्निंग सिकनेस के लिए, ये हैं डायमान हाइड्रीनेट एंड प्रोक्लोरपेराजीन कॉम्पेजीन प्रोमेथाजीन विटामिन बी सिक्स। एंटीएमेटिक आफ्टर सर्जरी डेक्सामेथासोन है ड्रोपेरिडॉल है क्रैनीसेप्ट्रॉन है मेटोक्लोप्रोमाइड रेगलान मेटोक्लोप्रोमाइड एंड ओंडेंसेट्रॉन जोफ्रान। एंटीएमेटिक फॉर कैंसर एंड कीमोथेरेपी के लिए मेनली करते हैं डेक्सामेथासोन एप्रेपिटेंट डोलासेट्रॉन ग्रेनीसेट्रॉन ओंडेंसेट्रॉन पैलोनसेट्रॉन प्रोक्लोरपेराजीन एंड रोलापिटेंट। अब साइड इफेक्ट क्या होते हैं एंटीएमेटिक के, तो ये होते हैं फटिक थकान ड्राउजीनेस होना हेडेक सर दर्द होना डिजीनेस एंड ड्राई माउथ। तो आज हमने जाना एंटीएमेटिक ड्रग के बारे में। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू।